नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत जैन मनोविज्ञान से। कंप्यूटर से कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो है पेन ड्राइव, पर क्या आप जानते हैं कि आप मोबाइल से मोबाइल में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ओटीजी ड्राइव के थ्रू। जी हाँ, आप इन्हें मोबाइल की पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं। और आज मेरे पास में है सैंडिस्क अल्ट्रा ड्यूअल ड्राइव M3.0 और सैंडिस्क ड्यूअल ड्राइव 2.0। ये दोनों में जो पेन ड्राइव्स हैं या जो ओटीजी ड्राइव्स हैं, इनमें डिफरेंस सिर्फ स्पीड या डेटा ट्रांसफर का है। एक 3.0 ड्राइव है और एक 2.0 ड्राइव है। तो चलिए अब बात करते हैं सैंडिस्क के ओटीजी ड्राइव्स के फायदों की। तो अगर आपका कोई भी डेटा हो, वो पिक्चर्स हो, म्यूजिक हो, वीडियोस हो, या कोई भी और टाइप का डेटा हो, तो अगर आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना हो, किसी फ्रेंड के साथ में, रिलेटिव के साथ में, अपने खुद के घर में अगर कुछ आपको शेयर करना हो, तो जो आसान तरीका है वो शायद है इन ओटीजी ड्राइव्स को यूज करना। जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप पीसी से पीसी में इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी तरीके से आप अपने मोबाइल में भी यही चीज यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको इसको प्लग करना है अपने माइक्रो यूएसबी पोर्ट में और आपको डेटा इसमें कॉपी करना है और दूसरे मोबाइल में आप उसी तरीके से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। साथ ही में सैंडिस्क एक ऐप भी ऑफर करती है गूगल प्ले पे, जिसका नाम है सैंडिस्क मेमोरी जोन ऐप। ये जो ऐप है, इससे आप अपना डेटा इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं फाइल के थ्रू, डेट्स के थ्रू। और एक और जो इसमें एडवांटेज है वो ये है कि आप अपना डेटा कंप्रेस या डीकंप्रेस भी कर सकते हैं। तो सो मान लीजिए आपको किसी को ईमेल करना है एंड जिप फाइल भेजनी है, या आपको जिप फाइल आई है, तो ये आपको जो ऐप है ये उसमें भी आपको हेल्प करेगी। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स इन सैंडिस्क ओटीजी ड्राइव्स के। एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, वो ये है कि मोबाइल की पेन ड्राइव की तरह तो आप उसको यूज कर ही सकते हैं, आप इन ओटीजी ड्राइव से जो डेटा है वो अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये ड्राइव दिखा रहा हूँ, तो ये आपको एकदम एक यूएसबी ड्राइव के जैसी ही दिख रही है। तो एक तरफ इसके माइक्रो यूएसबी है और एक दूसरी तरफ यूएसबी है, यही सेम चीज इसमें भी है। तो आप चाहे तो इन्हें मोबाइल की पेन ड्राइव की तरह यूज करिए, या चाहे तो सिर्फ पेन ड्राइव की तरह यूज करिए, और या फिर मोबाइल से पीसी या अपने मैक में डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।